ये जो बेसिकली आज हम जमा करने जा रहे हैं, ये लो बैक पेन है इनको और लास्ट 1 ईयर से है। और लो बैक पेन के एरिया जो है बेसिकली L4 L5 तो है ही है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये पेल्विक रीजन है। बेसिकली जो पेल्विक मसल्स हैं इस एरिया में है, और हम इस सारे एरिया को फोकस कर रहे हैं ताकि इसमें जो अगर मस्कुलर स्पेसिटी की वजह से पेन है या मस्कुलर स्प्रेन एंड स्ट्रेन की वजह से, बेसिकली देखा जाए तो मस्कुलर स्प्रेन एंड स्ट्रेन की वजह से ही पेन है। और जो डिस्क प्रॉब्लम है वैसा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो बेसिकली इनकी साइन एंड सिम्टम्स थी, इनकी साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो इन्होंने जस्ट रिपोर्ट किया है कि इस एरिया में पेन होता है, और ये लिमिटेड एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया है जिसमें ये पेन होता है। तो दैट्स वाई हिजामा में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट्स इसके होते हैं जो पेल्विक एरिया और लो बैक एरिया का जो पेन है उसमें होता है। इसके साथ साथ हम फिर करेंगे यहाँ पे ये जो एरिया है नेक का, ये बेसिकली हम हर एक पेशेंट को ये पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेमेट्री डिजीज का ट्रीटमेंट है यहाँ पर, और जो लो बैक पेन का एरिया ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सेमेट्री डिजीज का ट्रीटमेंट है। और ये जो पॉइंट है बेसिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन केस अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो उस वक्त अगर आप ये इस पॉइंट पे लगाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा है। और इसके अलावा फिर हम ये जो आखिरी दो पॉइंट्स हैं काफ मसल्स के, यहाँ लगाते हैं, ये बेसिकली आपको स्पीड अप करते हैं लाइफ में, वर्किंग जो पावर है उसको बढ़ाते हैं, और बेसिकली जो स्टेमिना है वर्किंग का वो बढ़ता है।